भोजपुर की ऐसी घटनाएं जो आपका दिल दहला दे। ऐसी खबर जो सबको हिला दे, जो हर पहलू से कराता हो रूबरू, जो सबके लिए हो खास, जो बताए भोजपुर की संस्कृति और साथ में भोजपुर का इतिहास। भोजपुर का दर्पण, भोजपुर दर्शन। भोजपुर दर्शन, आपकी बात आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूं राजेश तिवारी। केंद्र सरकार ने पूरे देशवासियों के लिए एक ऐप का निर्माण किया है और उस ऐप के माध्यम से हर नागरिक अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा राशि को जान सकता है। इस ऐप में बहुत ही काफी विशेषता है कि इस ऐप के माध्यम से आपके खाते में कितनी राशि है उसकी भी पता लगा सकते हैं। इस ऐप के बारे में डाक अधीक्षक ने आज आम नागरिकों को, भोजपुर के सभी नागरिकों को जानकारी दिया। संवाददाता सम्मेलन में डाक अधीक्षक ने इस ऐप के बारे में पूरी तरीके से जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की इस ऐप का लाभ हम सभी को उठानी चाहिए। तिवारी जी बैठिए, मैं आप उद्घाटन होने जा रहा हूँ। किस चीज का पता दिए सर? ब्रिज का ग्यारह बजे अपार हर्ष के साथ सूचित करना है कि भारतीय डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के रूप में ग्राहकों को नई बैंकिंग सुविधाएं उनके घर तक पहुंचाने की शुरुआत की है। डाक विभाग की ओर से 1 सितंबर 2018 से इसके तहत डोर स्टेप बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए पोस्टमैन एवं ग्रामीण डाक सेवकों को मोबाइल डिवाइस उपलब्ध करा दिया गया है। 1 सितंबर 2018 को नई दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 650 नई शाखाओं एवं 3250 एक्सेस पॉइंट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन करेंगे। भोजपुर जिले के आरा प्रधान डाकघर शाखा के साथ चंदवा, बेलघाट, बलुआ, गंगहर, बड़का डुमरा एक्सेस पॉइंट का भी उद्घाटन किया जाएगा, जबकि बक्सर जिले के बक्सर प्रधान डाकघर शाखा के साथ बक्सर झील उप डाकघर, कमरपुर शाखा डाकघर, पुलिया शाखा डाकघर एवं MB कॉलेज बक्सर शाखा डाकघर का भी उद्घाटन किया जाएगा। भोजपुर प्रमंडल के डाक अधीक्षक श्री राज बिहारी राव, मैं जैसा कि मैं बतला रहा हूँ कि इसका उद्देश्य शहरों के साथ साथ गांवों के सुदूर क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से ग्राहक अपने पैसे का अपने परिजनों के साथ भी खाते में हस्तांतरित कर सकेंगे और पेमेंट बैंक में न्यूनतम शून्य रकम से ग्राहकों को बैंकिंग एवं इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है। इससे बुजुर्ग लोगों, महिलाओं को विशेष करके लाभ मिलेगा। डाकियों द्वारा ग्राहकों को घर बैठे जमा और निकासी की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। विदित होगी घरों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाते हुए वित्तीय स्वतंत्रता उपलब्ध कराने का एवं इत्यादि के तहत लाभार्थियों को इस योजना का लाभ सीधे मिलेगा। दिनांक 20/8/18 से प्रधान डाकघर और प्रधान डाकघर बक्सर से लेकर के सभी एक्सेस पॉइंट्स में खाता खोलना जारी हो गया है। प्रधान डाकघर आरा शाखा का शुभारंभ माननीय केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री RK सिंह के कर कमलों द्वारा 1/9/2018 को शुभारंभ किया जाएगा, जबकि प्रधान डाकघर बक्सर के शाखा का शुभारंभ माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा राष्ट्रव्यापी शुभारंभ नई दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम से राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया जाएगा। 1/9/18 से पूरे भारत वर्ष में 650 शाखा और 3250 एक्सेस पॉइंट्स काम करने लगेंगे। इसके बाद जो है दिसंबर तक आते आते पूरे भारत वर्ष के 1,55,000 डाकघरों में ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कार्य शुरू हो जाएगा।
जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय डाक जो है दुनिया का सबसे विशालतम नेटवर्क है और यह दुनिया का विशालतम सेवा देने वाला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बनेगा। इसकी शाखाएं पहाड़ों पर, जंगलों में, नदी किनारे, सुदूर देहाती क्षेत्रवर्ती क्षेत्रों में भी हैं। तो सभी जगह समाज के सभी किसान, गांव के लोग, पिछड़े लोग सब इसका लाभ लेंगे। विद्यार्थी, बुजुर्ग, सभी को ये मिलेगा। यह भारतीय डाक विभाग का इतिहास में यह स्वर्णिम दिन होगा, जो कि इतने व्यापक पैमाने पर एक बैंकिंग सेवा की शुरुआत होगी। विभिन्न मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिए। शिक्षकों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है। समान काम समान वेतन मांग के साथ ही विभिन्न मांगों की को लेकर शिक्षकों ने नारेबाजी भी लगाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक यह धरना प्रदर्शन उनकी मांग चलती रहेगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये टेक्निकल बात थी, मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग सभी लोग जान जाइए विचार किए होंगे। साथ में तो एक सिपाही ने संकेत दिया, प्रण किया और कहा, दमदमे में दम नहीं अब खैर मानो जान की, ऐ जफर अब हो चली शमशीर हिंदुस्तान की। जफर साहब ने किस लहजे में उत्तर दिया, हिंदियों में वो रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तंग हिंदुस्तान की। भाई, यह शिक्षक ईमानदारी के पथ पर रहते हुए हर वक्त संघर्ष से जूझते रहेंगे। इनके पास स्वाभिमान, संस्कार और प्रेम है। इस भाई, अब यह मंच गढ़नी की ओर। ओम प्रकाश राय जी पर सदापिन, हमारे डीएसयू एनएसएस संघ के पदाधिकारीगण और सारे अभिभावक, आप सभी का। जगजीवन कॉलेज में वीर कुंवर विश्वविद्यालय के कुलपति का अभिनंदन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर कुलपति को जगजीवन कॉलेज के प्राचार्य ने उन्हें शॉल और बुके देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर शतरंज प्रतियोगिता में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। सर्वप्रथम आज के इस समारोह को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करेंगे।
सहयोग करेंगे। जवाहरलाल जी और के द्वारा पुनः मोमेंटो अर्पित कर रहे हैं। आप लोग तालियां बजाते हैं पुनः उनके और पर्यावरण में आपको ध्यान से रखते हो गए प्रधानाचार्य महोदय। हरा पौधा भी माननीय कुलपति महोदय को समर्पित करने जा रहे हैं। हरा पौधा देकर पर्यावरण की ओर वातावरण बनाने का कुलपति को मान्यार्पण करते हुए सचिव साहबुद्दीन जी इधर सीसी साहब डीसी साहब को कौशलेंद्र जी माल्यार्पण करते हुए प्रधानाचार्य वीरेंद्र जी को माल्यार्पण से अभिनंदन करते हुए पुनः जो लड़कियों का स्थान नहीं मिला वो बढ़ जाओ तुम वहां पर। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नंद किशोर शाह जी, विश्वविद्यालय के सीसीडीसी नीरज जी, महाराजा कॉलेज आरा के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, हमारे मित्र भी रहे हैं। कभी हम लोग इन कॉलेज में साथ पढ़ाए थे, अभी एक भेंट हो गई यानी कि इस इंस्टीट्यूशन से। अनिल जी, हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी चंदन जी, महाविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे छात्र संघ के सभी प्रतिनिधि, छात्र संघ के अधिकारी, छात्र और छात्राएं, आज मैं बताना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम तीन भागों में बटा हुआ है। आप ये जानते हैं कि हमारे जो कुलपति हैं पहले प्रतिकुलपति थे और यह बड़ी खुशी की बात है कि राजभवन ने इन्हें अपग्रेड करते हुए कुलपति का भार दिया है। तो पहले भी आप आ चुके हैं इस महाविद्यालय में, 7 जुलाई को जब बाबू जगजीवन राम जी का हम लोग पुण्यतिथि मना रहे थे उसमें आप प्रतिकुलपति थे। आज हमारे महाविद्यालय परिवार को इस बात का गौरव है कि यही महाविद्यालय परिवार पुनः आपको कुलपति के रूप में देखकर काफी हर्षित है और आपका सम्मान आपका अभिनंदन करने के लिए हम लोग यहाँ। समाचारों में अभी और भी है, आप देख रहिए भोजपुर दर्शन। जी हाँ भाई और बहनों, चलिए आज ही चलिए अपने पूरे परिवार के साथ, चलिए दोस्तों यारों के साथ, चलिए डिज्नीलैंड मेला मीना बाजार आरा रमना मैदान में आया है। जबरदस्त मनोरंजन का खजाना लेकर आपके शहर आरा में आया है डिज्नीलैंड मेला। जी हाँ, डिज्नीलैंड मेला जो हर दिन शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक आप सबों के लिए खुली रहेंगी। तो आइए डिज्नीलैंड मेला मीना बाजार रमना मैदान आरा। इस डिज्नीलैंड मेला में आप सबों के लिए आया है रशियन झूला, टावर झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला। आपके बच्चों के लिए इस मेले में आया है वाटर बोर्ड, मिक्की माउस, जंपिंग झूला, 3-in-1 झूला, स्कॉर्पियो झूला, यानी कि तरह तरह के झूले का भरपूर आनंद उठाएंगे आप इस डिज्नीलैंड मेला मीना बाजार में। तो भाई चलिए आज ही पूरे परिवार के साथ स्वस्थ मनोरंजन के लिए डिज्नीलैंड मेला रमना मैदान आरा।
एमआई मोबाइल उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब पटना जाने की आवश्यकता नहीं। कंपनी ने अपने स्कूटी सर्विस सेंटर ग्राहकों की सेवा के लिए प्रारंभ कर चुका है। एमआई मोबाइल से संबंधित कोई भी परेशानी के लिए संपर्क करें वालिया कम्प्लेक्स द्वितीय मंजिल करमंटोला आरा। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तेनु समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी। अभी भी देर नहीं, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना या मरम्मत कराना चाहते हैं तो आपके लिए देव कंप्यूटर, जी हां आसूस एसर डेल एचपी लेनेवो का लैपटॉप के साथ ही एचपी टीवीएस इप्सन का प्रिंटर विक्रेता। तो परेशानी छोड़ें, सेल और सर्विस के लिए संपर्क करें आपका अपना देव कंप्यूटर वालिया कॉम्प्लेक्स तीसरी मंजिल करमन टोला आरा। देव कंप्यूटर वालिया कॉम्प्लेक्स तीसरा मंजिल करमन टोला आरा। नंबर है 8252662121। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त, आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रिशियन हीटर डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुल्हरिया आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301 9334192301। क्या आप अपने बजाज मोटरसाइकिल को सुंदर और मजबूत रखना चाहते हैं? तो केवल ओरिजिनल पार्ट्स के लिए न्यू बजाज केयर से संपर्क करें, जहां आपको मिलता है बजाज कंपनी के मोटरसाइकिलों का ओरिजिनल पार्ट्स, वो भी उचित मूल्यों पर। संपर्क करें न्यू बजाज केयर हॉस्पिटल रोड आरा, नंबर है 9386934868। आपका अपना दुकान न्यू बजाज केयर हॉस्पिटल रोड आरा। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते अपराध को लेकर चिंता व्यक्त पूरे भोजपुर के नागरिकों ने किया। नागरिकों के साथ कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने आज प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रतिवाद मार्च के साथ ही नागरिकों ने प्रशासन से मांग किया कि जिले में बढ़ रहे अपराध पर रोक लगानी चाहिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
की प्रतिभा बस जिंदाबाद। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में अघोषित रूप से आपातकाल लागू कर दिया है। देश के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, प्रगतिशील लोगों के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लिखने वाले पढ़ने वाले बुद्धिजीवी हैं, उन बुद्धिजीवियों को, देश के अवैध को नरेंद्र मोदी की सरकार दबाना चाहती है। देश के नामी गिराने पत्नों से गिरफ्तार करके देश में जनता की आवाज को, लोकतंत्र के न्यूनतम आवाज को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस रात पूरे देश के नागरिक बुद्धिजीवी सड़कों पर है और आरा शहर में भी यह नागरिक का प्रतिवाद मार्च सड़कों पर निकला हुआ है। इस प्रतिवाद मार्च में शहर के कई नामी ग्रामीण पत्रकार, बुद्धिजीवी, कवि, प्रोफेसर, वकील लोग शामिल है। तो हम चाहेंगे की सभा की शुरुआत हो आपके बीच बात रूप रखने के लिए। जैन कॉलेज प्रचार के खिलाफ जैन कॉलेज के छात्र अध्यक्ष दृष्टि राज ने कई आरोप लगाया है और अभद्र बात भी टिप्पणी की है। ये सारी टिप्पणी अपने कार्यकर्ताओं के फेसबुक के माध्यम से किया है और इस फेसबुक के माध्यम से प्रचार को गोली मारने की भी बातें आपस में किया करते हैं, जिसको लेकर प्रचार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दृष्टि राज मेरे ऊपर हमले की योजना बना रही है, यह काफी ही घोर निंदनीय है और इसको लेकर चिंता भी व्यक्त प्रचार ने किया है। हमने बहुत अच्छा है, मैंने वही है, एक को डट जाए, सब को बस हो गया। मीटिंग में एक आया था फेसबुक पर हमारे महाविद्यालय के छात्र की अध्यक्षा किसी लड़के से हमको नहीं पता है, वो आपस में जो है बात कर रहे हैं और हमें मारने की धमकी दे रहे हैं कि इसका ऐसा गोली मारेंगे कि चेहरा जो है, और उसमें छात्र संघ अध्यक्षा की सहमति होती है कि इस तरह की जो है वो ऑटोमेटिक जो है और डर है उनको, अपना भी डर है कि इस तरह की धमकी एक तरह से कहीं ना कहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने महाविद्यालय के आगे बढ़ाने के लिए मैंने कई बार, लेकिन ऐसा कई बार लिखा गया है कि बिना हमसे पूछे बाहर के छात्र या बाहर के लड़के जिसको मैं नहीं पहचानता, बिना पूछे कमरे हमारे प्रधानाचार्य कक्ष में चले आते हैं और कहीं कहीं भी बिना वो जो है ऐसे अपशब्द भाषा का उपयोग करते हैं, गुंडा बोलते हैं। पिछले बार मैंने जैसे ही वो लोग आए मैंने कहा कि आप निकलिए, लेकिन वो जो है इस तरह की भाषा का उपयोग, फिर इसके बाद अभी जब हमको व्हाट्सएप पर आया इस तरह का चैटिंग हो रहा है तो हमसे गंभीर मामला है। पुनः हमने देखा कि 6 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि उनको मारने के बाद 6 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, तो गंभीर मामला है। मैं इसकी जो है जानकारी थाना में भी दूंगा, अपने कुलपति महोदय को दूंगा, राज्यपाल को दूंगा। इसके पूर्व भी मैंने लगातार इस तरह की घटनाओं का विरोध मैंने वाइस चांसलर को दिया था और मैंने उस चिट्ठी को राज्यपाल महोदय को एक्सरसाइज करने के लिए भी लिखा था। अब उसमें क्या आगे कार्रवाई हुई नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब मैं हमेशा तैयार रहता हूं छात्रों को, लेकिन जहां भी अनुशासनहीनता हो तो वैसे परिस्थिति में जो है कार्य करना असंभव हो पाएगा। समाचारों में अभी और भी है, आप देख रहिए भोजपुर दर्शन। जी हाँ भाई और बहनों, चलिए आज ही चलिए अपने पूरे परिवार के साथ, चलिए दोस्तों यारों के साथ, चलिए डिज्नीलैंड मेला मीना बाजार
आरआर रमना मैदान में आया है। जबरदस्त मनोरंजन का खजाना लेकर आपके शहर आरा में आया है डिज्नीलैंड मेला। जी हाँ, डिज्नीलैंड मेला जो हर दिन शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक आप सबों के लिए खुली रहेगी। तो आइए डिज्नीलैंड मेला मीना बाजार रमना मैदान आरा। इस डिज्नीलैंड मेला में आप सबों के लिए आया है रशियन झूला, टावर झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला। आपके बच्चों के लिए इस मेले में आया है वाटर बोर्ड, मिक्की माउस, जंपिंग झूला, 3-in-1 झूला, स्कॉर्पियो झूला, यानी कि तरह तरह के झूले का भरपूर आनंद उठाएंगे आप इस डिज्नीलैंड मेला मीना बाजार में। तो भाई चलिए आज ही पूरे परिवार के साथ स्वस्थ मनोरंजन के लिए डिज्नीलैंड मेला रमना मैदान आरा। MI मोबाइल उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब पटना जाने की आवश्यकता नहीं। कंपनी ने अपने स्कूटी सर्विस सेंटर ग्राहकों की सेवा के लिए प्रारंभ कर चुका है। MI मोबाइल से संबंधित कोई भी परेशानी के लिए संपर्क करें वालिया कम्प्लेक्स द्वितीय मंजिल करमंटोला आरा। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तैनू समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी। अभी भी देर नहीं, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना या मरम्मत कराना चाहते हैं तो आपके लिए देव कंप्यूटर। जी हाँ, आसूस, एसर, डेल, HP, लेनेवो का लैपटॉप के साथ ही HP, TVS, इप्सन का प्रिंटर विक्रेता। तो परेशानी छोड़ें, सेल और सर्विस के लिए संपर्क करें। आपका अपना देव कंप्यूटर वालिया कॉम्प्लेक्स तीसरी मंजिल करमन टोला आरा। देव कंप्यूटर वालिया कॉम्प्लेक्स तीसरा मंजिल करमन टोला आरा। नंबर है 8252662121। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI, NCVT, DGET से मान्यता प्राप्त, आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI, कुलहरिया आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301, 9334192301। क्या आप अपने बजाज मोटरसाइकिल को सुंदर और मजबूत रखना चाहते हैं? तो केवल ओरिजिनल पार्ट्स के लिए न्यू बजाज केयर से संपर्क करें, जहां आपको मिलता है बजाज कंपनी के मोटरसाइकिलों का ओरिजिनल पार्ट्स, वो भी उचित मूल्यों पर। संपर्क करें न्यू बजाज केयर, हॉस्पिटल रोड आरा। नंबर है 9386934868। आपका अपना दुकान न्यू बजाज केयर, हॉस्पिटल रोड आरा।
शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। देश की सेवा सर्वोपरि सेवा होती है और देश की सेवा के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए बचपन से ही एनसीसी में भर्ती की जाती है और एनसीसी का यह मुख्य अभियान भी चलाई जाती है। एनसीसी भर्ती अभियान में काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने आज महाराजा कॉलेज उपस्थित होकर अपने भर्ती अभियान में भाग लिया। भैया नहीं रहा उतार रहा था बना आगे जमा करो आगे लोगों के यहाँ प्रत्येक वर्ष एनसीसी के नए रंगरूपों की बहाली की जाती है। इसके लिए हमारे यहाँ जितना वहाँ से सैंक्शन संख्या है इस बार की सैंक्शन संख्या 50 से ऊपर है और 54 से कम है। 52 से 54 लड़के हमारे यहाँ इस बार सेलेक्ट होंगे मैक्सिमम 54 और इसके लिए एनसीसी ऑफिस हम लोग से बात करके डेट तय करता है। 30 तारीख का डेट ये काफी तय किया गया और इसकी सूचना बार बार कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर दी गई है और हम लोग वैसे लड़कों की जो एनसीसी में वास्तव में इच्छा रखते हैं और सालों भर आने का संकल्प करते हैं उन्हीं लोगों को कहते हैं कि वो आए और उनकी हम लोगों ने लिस्टिंग की है। हम लोगों ने 78 लड़कों की लिस्टिंग करके रखी है। फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग उन्हीं लड़कों को देंगे जो कि हमारे यहाँ रेगुलर रूप से एनसीसी में अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए आए हैं और डिसिप्लिन है। कितने बच्चे आज करीब हमारे पास 150 बच्चे आए हैं इसमें और ये सारे एनसीसी की प्रक्रिया में भाग लेंगे। प्रेफरेंस लेकिन जो पहले से हमारे 78 बच्चे इनरोल्ड हैं उनको हम बहाली कितने बहाली 52 है 52 और 54 के बाद
सर अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विकास चंद्र, एक CTO महाराजा कॉलेज। NCC की बहाली नहीं है, बहाली होती है जो सोल्जर बनाए जाते हैं, जॉब मिलता है बहाली में, ये इनरोलमेंट है। हमारे पूरे आरा में 6 कॉलेजेस हैं जहाँ NCC है और लगभग 15 से 16 स्कूल्स हैं जहाँ पे NCC है। हम आज महाराजा कॉलेज में डेट टाइम समय मुकर्रर कर रखे हैं और हम लोग इनरोलमेंट के लिए आ रखे हैं। इसमें कुछ प्रक्रिया है, दौड़ भाग चेस्ट फिजिकल मेंटल सब तौर तरीकों से इनको हम टेस्ट करेंगे और जो उपयुक्त पाए जाएंगे बच्चे उन्हें हम NCC में इनरोल करेंगे। अभी कितने बच्चे शामिल हैं? अभी 150 की नफरी है। हम लड़कियों को भी मोटिवेट कर रहे हैं और वैसे तो पहले चलता था कि फौज है मीन्स प्योर बॉयज ही होंगे, लड़के ही लड़ सकते हैं। अब ये जो दम्भ है मर्दों का ये टूटना जरूरी है और आप देख सकते हैं कि बच्चियां भी खड़ी हैं। तो हम लोग लगभग सारे कॉलेजेस स्कूल्स जो हैं उसमें हमने मिक्स कर दिया है और केवल बॉयज़ या केवल गर्ल्स वाली बात नहीं है। जहां हमको अच्छे बच्चे मिलेंगे वो लड़के हों लड़कियां हों हम दोनों को ही इनरोल करेंगे। चयनित कितने बच्चों को करना है? बच्चे टोटल एक कॉलेज की जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो 160 है। 160 में ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स हमें लेना होता है बिकॉज दे हैव टू गो थ्रू 3 ईयर्स। तो 53 इस तरह से जोड़ करके इस तरह से टोटल जो नफरी है वो 160 होना चाहिए। किसी साल हमने 53 किया तो फिर 50 को 4 करेंगे फिर 53 करेंगे या 53 और 54। तो आई डोंट नो पिछले लास्ट 2 सालों में जो नफरी रही होगी तो हम लगभग यहाँ 60 बच्चे पिकअप करेंगे और हम जो पिकअप करेंगे वो फिजिकल मेंटल तो हैं ही, उसके अलावा जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कोई गाना गाने में अच्छा है, कोई नाटक अच्छा करता है, कोई इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है, तो स्टडीज़ में जो अच्छे हैं, तो जो बच्चे ओवरऑल बहुत अच्छे हैं उन्हीं को हम NCC में इनरोल करेंगे। साक्षरता बचाओ बिहार बचाओ नारे के साथ नागरिक प्रजाधीन सभागार में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें बिहार राज्य साक्षरता संघर्ष मोर्चा के द्वारा यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें वक्ताओं ने कहा कि साक्षरता दर बिहार में पहले से तो अवश्य बढ़ी है लेकिन जितना उम्मीद किया जाना चाहिए उतना उम्मीद अभी तक नहीं है। साक्षरता दर में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। महिलाओं की संख्या साक्षरता दर में बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य भी बनता है। और हम ये लड़ाई लड़ेंगे, मुंह मोड़कर नहीं जाएंगे। यदि हम सोचते हैं कि यदि हम जीना से होकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे और तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर मेरा प्रखंड है और पंचायत है तो एकदम निराश हो जाएगा। इसलिए पहले हम अपने जिला से भी मजबूत कर रहे हैं, हमारे जिला के लोग हैं, विमर्श हो रहा है और हम लोग विमर्श से अपना कार्य को आगे बढ़ाए रखे और हम लोग लड़ते रहे लड़ेंगे तब हम लोग ये कहा के बाद हम तो इसको भी कर चुके हैं। ये देखना है हमारे जब हमारा ताला टूट गया जब नियम का उल्लंघन है चिट्ठी द्वारा बचाव भी आ रहा है इसलिए बता दीजिए। यह सम्मेलन अपना प्रमंडल का सम्मेलन है जिसमें 6 जिले के लोग शामिल हुए हैं और साक्षरता बचाओ बिहार बचाओ बिहार के सभी प्रमंडलों में प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन हो रहा है। वर्तमान सरकार ने साक्षरता करने के साथ घोषणा किया है जिसमें सब लोगों को अपने पद से हटाने का प्रमाण जारी किया है जो अवैध अनैतिक और गैर संवैधानिक है। इसके खिलाफ पूरे बिहार में आंदोलन चला है, राजगीर से पटना तक पैदल मार्च निकाला गया, चक्का जाम किया गया, मानव श्रृंखला लगाई गई हर जिले में, पुतला दहन हुआ, मशाल जुलूस हुआ। उसके बाद हम अपने सांगठनिक सम्मेलन के चलते आगे की रणनीति बनाने के लिए आपने परिचय बता दिया। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं
बिहार राज्य साक्षरता संघ का संयोजक हूँ और बिहार का अध्यक्ष भोजपुर का मुख्य कार्यक्रम। शाहपुर के शिवपुर घाट के समीप बीते दिन पुलिस और बालू माफियाओं के बीच करीब 100 राउंड गोलीबारी हुई, जिसमें पूरी रात तक पुलिस प्रशासन और बालू माफियाओं के बीच ये लुका छिपी का खेल चलता रहा। इस अभियान में पुलिस कप्तान यानी पुलिस अधीक्षक स्वयं उपस्थित थे। इससे पुलिस और बालू माफियाओं के बीच में जो गोलीबारी थी और जो काफी संख्या में बालू माफिया छिपे हुए थे दियरा क्षेत्रों में, उसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने इस अभियान में मात्र 3 ही व्यक्तियों को गिरफ्तार की है। तू कहाँ रहा छिपल को ले लीजिएगा। आसान फोन लगा आज के डेट में इतना घर में फोन लगता है। खंडहर किसका है? अरे खंडहर है एकदम। अरे मेरे घर आना चाहिए। ठीक है।
खेल के प्रति बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन वीर कुंवर सिंह मैदान में किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में भोजपुर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग ली और कई प्रकार के खेल खेले। इन सभी प्रतियोगिता में जो विजयी प्रतिभागी हैं, उन्हें जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। उच्च विद्यालय दूसरे के छात्र मार्च पास्ट करते हुए मंच के सामने से गुजरते हुए कलस्टर उच्च विद्यालय मलयूर चरपोखरी के छात्र और छात्राएं धर्मग्राम प्लस टू विद्यालय गुरपा के छात्र और लाखा प्लस टू उच्च विद्यालय बरनी नीली परिधान में नीली जर्सी में छात्र सिमरा प्लस टू विद्यालय के छात्र मंच के सामने से गुजरते हुए बिहिया चौरस्ता पलीगांव उच्च विद्यालय के छात्र प्लस टू उच्च विद्यालय बिहिया मंच के सामने से गुजरते हुए यह टीएजे प्लस टू विद्यालय के छात्र मंच के सामने अपने बैनर के साथ विभिन्न विद्यालयों के समूह बैनर के साथ खड़े हो रहे हैं और एक सिरा में देख पा रहा हूं कि अभी स्टेडियम के अंदर से मंच के सामने से गुजरते हुए डॉक्टर नेमी चंद्र शास्त्री कन्या विश्वविद्यालय आरा की छात्राएं और इनके पीछे हैं श्री जैन कन्या विश्वविद्यालय जेद रोड आरा की छात्राएं सभी और चप्पल कदमों से मंच के सामने से करती है। ये कैथोलिक हाई स्कूल जीवन ज्योति विद्यालय के छात्र और छात्राएं दिव्य भास्कर पब्लिक स्कूल भारत के छात्र मंच के सामने से गुजरते हुए प्लस टू उच्च विद्यालय पथरिया के छात्र और इनके पीछे है जगनेश्वर सिंह प्लस टू गीत नायर क्षत्रिय प्लस टू विद्यालय आरा के छात्र उदारपुर स्कूल के छात्र छात्राएं और इनके पीछे हैं टाउन प्लस टू विद्यालय आरा के छात्र सामने से गुजरते हुए राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय के छात्र हेलो हेलो We'll be right back.
बहुत ही सुंदर और प्रिय संगीत की स्वागत गान की प्रस्तुति हुई। अब मैं आग्रह करूंगा कि एक बालिकाओं द्वारा के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, कार्यक्रम को थोड़ा रोका जाता है और हमारे आदरणीय अतिथि जिला पदाधिकारी, जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, सभी स्पोर्ट्स टीचर जितने आए हुए हैं, यहाँ संगीत का परफॉर्मेंस कर रहे जितने आर्टिस्ट हैं, आज मुझे बहुत खुशी है कि इतना बड़ा आयोजन हुआ है, इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे बताया जा रहा था कि भोजपुर जिले में इतनी संख्या में स्कूल लेवल को जो जिला स्तरीय पदक प्रतियोगिता होती है, इतना पार्टिसिपेशन कभी नहीं हुआ है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और पूरे भोजपुर जिले के लिए खुशी की बात है कि लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खास करके जो टीम स्पोर्ट्स होता है, पहले स्कूलों से सिर्फ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में भेज दिए जाते थे बच्चे, इस बार टीम स्पोर्ट्स में अकेले कबड्डी में 100 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। मुझे बताया गया कि 40 टीमें महिला कबड्डी में और 60 टीमें पुरुष कबड्डी में नामांकन कराए हैं। भोजपुर जिले के लिए बहुत खुशी की बात है, ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में टीम स्पोर्ट्स में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सबों को पता होगा कि बिहार में किसी भी लेवल पे जब कंपटीशन होता है, भी जितने हैं उनमें भी हम ऐसा ही परफॉर्मेंस करेंगे और आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता शुरू हो रही है, खेल भाव आगे निकलेंगे जो जिला और राज्य स्तर पर भी परफॉर्म करेंगे। धन्यवाद। उत्साह देखा जाता है लेकिन खेल के मैदान के बाद खिलाड़ियों को ऐसा हमेशा शिकायत रहता है कि उन्हें कुछ सुविधा नहीं मिल जाती है। सुविधा के अभाव में यहाँ का प्रतिभा धीरे धीरे प्रथम की ओर जा रहे हैं। खिलाड़ी आए दिन इसकी शिकायत करते हैं कि स्टेडियम है सर, आप देख रहे हैं यहाँ पर आए जो स्टेडियम में जुआड़ियों का डर रहता है, नशेड़ी वहाँ पर नशा करते रहते हैं, उसके ऊपर भी खिलाड़ियों ने कई बार आवेदन भी दिया लेकिन कभी कुछ किया नहीं जाता। इसके भी मीटिंग्स में ये बातें उठी हैं, उस पर हम लोग जरूर ध्यान दे रहे हैं। स्टेडियम्स में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गार्ड्स की भी तैनाती हो और समय समय पर पुलिस की भी पेट्रोलिंग हो, उसकी हम लोग व्यवस्था करेंगे। काफ़ी अच्छा माहौल है बच्चों को और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी स्टेडियम्स बने और भी मैदान आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जहाँ खेल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सर, तीरंदाजी में एक पूजा नाम की जो युवती है वो धनुष के नहीं मिलने के कारण वो नेशनल नहीं खेल पा रही है, इसकी मुझे जानकारी नहीं, मैं पता कर लेता हूँ। सर, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्रतिभावान है लेकिन सुविधा नहीं होने के चलते। सर बिल्कुल, इसीलिए ऐसा आयोजन होता है कि वो खिलाड़ी निकल कर आएंगे और फिर प्रशासन की तरफ से जो हो पाएगा उनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू। वन पॉइंट रन के लिए पास चला वन पॉइंट रन के लिए पास चला रुक जा रुक जा रुक जा बेटा साइड से बाहर जाओ फील्डिंग के सेक्शन का पहला और दूसरा सेमीफाइनल मैच पूरा हो चुका है, दोनों ही टीमें फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। Yeah.
होती है।